बसमिलीम आज हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं तो इससे पहले हमने रियल नंबर पढ़ाया था अब कम्प्लैक्स नंबर से पहले आपको इमेजनरी नंबर का पता होना ज़रूरी है वट इज़ इमेजनरी नंबर इमेजनरी नंबर हमारे पास तमाम वो नंबर हैं जो कि अंडर रूट माइनस के फॉर्म में हो फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर रूट माइनस वन अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट माइनस थ्री तो इसको हम यू लिख सकते हैं अंडरवुड माइनस वन जो है ये हमारे पास इक्वल है आयोटा की अंडरवुड माइनस वन किस की इक्वल है आयोटा की इक्वल है तो आयोटा जिस नंबर के साथ आ जाए उस नंबर को हम इमेजनरी नंबर कहते हैं फॉर एग्जांपल बी है तो बी आयोटा है तो बी आयोटा जो है इस नंबर को हम इमेजनरी अब बी हमारे पास रियल पार्ट है लेकिन इसके साथ इमेजनरी पार्ट एक साथ हुआ है तो इस पूरे पार्ट से क्या बनाए इमेजनरी बनाए हैं अब इमेजनरी नंबर क्या है जिसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस वन हो तो आयोटा स्क्वेयर ये इक्वल है माइनस वन के आयोटा स्क्वेयर किसकी इक्वल है माइनस वन के इक्वल है तो कंप्लेक्स नंबर के लिए कम्प्लेक्स नंबर इज द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड एमेजनरी नंबर तो ये हमारे पास अगर सपोज ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर अगर ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करे देन सम ऑफ प्लस बी आयोटा अब इसमें देखें ये रियल पार्ट है और बी आयोटा हमारे पास क्या है इमेजनरी पार्ट है तो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों कंबाइन हुआ इससे क्या बना कम्प्लेक्स नंबर बना है तो रियल नंबर बी एमेजनरी में कन्वर्ट होते लेकिन कब कन्वर्ट होगा जब वो अंडर रूट माइनस की फॉर्म में हो अब यहाँ पे अंडर वोड माइनस टू है तो अंडर वोड माइनस टू को हम लिख सकते हैं अंडर वोड माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू तो फिर अगर दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो उसको रूट को आप अलग कर सकते हैं तो अंडर वोड माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई अंडर वोड माइनस टू हमने इसको लिखा तो ये इससे क्या बनते हैं अंडर वोड माइनस वन इज इक्वल टू अयोधा और अंडर रूट टू अपनी जगह पे आते हैं इसको हम यू भी लिख सकते हैं अंडर रूड टू आयोटा तो अब ये देखें ये हमारे पास टू रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आए हैं तो इससे क्या बनाएं इससे इमेजनरी नंबर बने इसी तरह अगर हमारे पास अंडर रूट माइनस फोर हो तो अंडर रूट माइनस फोर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट फोर और अंडर रूट माइनस वन किस की इक्वल है आयोटा की इक्वल है और अंडर रूट फोर किसकी इक्वल है टू की इक्वल है तो अब टू तो हमारे पास रियल पार्ट है लेकिन इसके साथ इमेजनरी एक साथ हुआ तो इससे क्या बना है? इमेजनरी पार्ट बने टू आयोटा अब ये टू आयोटा एज अ होल क्या बनता है इमेजनरी नंबर बनता है तो जब भी इमेजनरी नंबर थ्री प्लस फोर आयोटा इसमें से थ्री हमारे पास रियल पार्ट है जबकि फोर आयोटा क्या है ये इमेजनरी पार्ट है. तो द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट कॉल्ड कंप्लेक्स नंबर द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पॉट इज कम्प्लेक्स नंबर फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो भी साथ साथ डिस्कस करते हैं जिसको हम कंजुगेट कहते हैं तो अगर ये हमारे पास इसको हम जेड से रिप्रजेंट करते हैं जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा इसके कंजुगेट का मतलब ये होगा कि आप इस पे एक बार एक देश सा लगा दें तो कंजुगेट में आयोटा की साइन चेंज होते जब आप कंजुगेट हटा दें तो थ्री माइनस फोर आयोटा बनता है तो असल में कंप्लेक्स नंबर क्या है कंप्लेक्स नंबर इज द कंबिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी किसको कहते हैं जिस अंडर रूट में नेगेटिव साइन हो अंडर रूट माइनस वन अंडर रूट माइनस टू तो नेगेटिव स्क्वेयर रूट ये इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा ग्रीक वर्ड हैं जिस तरह हम आई कहते हैं तो वहाँ पे ग्रीक में आयोटा कहते हैं जिस तरह हम ए कहते हैं ग्रीक में उसको एल्फा कहते हैं बी को बीटा तो इसी तरह आई को आयोटा तो ये अंडर रूट माइनस वन आयोटा की इक्वल है और ये हमारे पास क्या है इमेजनरी नंबर है